हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो लेकर आई हूँ आपके लिए आज की रिगार्ड रीडिंग को। एंड आज की रीडिंग में गाइस चेक कर लेती हूँ जनरल बेसिस पर आपके पर्सन की आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, अगर आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस है, अगर आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट है, या फिर आपसे अगर आपके पर्सन इस वक्त आपसे अगर दूर हैं तो उनकी क्या कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, आपके बिना कैसे महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, तो आपके बिना आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसे महसूस करते हैं आपके पर्सन, यही एनर्जीज को चेक करूंगी इस रीडिंग में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली नोटिफिकेशंस के लिए। एंड स्टार्ट कर लेती हूँ इस रीडिंग को मैं। अब सो चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या कुछ आ रही हैं। जनरल बेसिस पे है गाइस, जनरल तरीके से देखिएगा इस रीडिंग को। एंड स्टार्ट कर लेती हूँ टाइमलेस रीडिंग को मैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। सो आपको जब भी टैरो कार्ड रीडिंग मिलती है आप इसे देख सकते हो, इसमें कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ आ रही हैं इस वक्त, अगर वो आपसे एक नो कांटेक्ट में है। ओके सो द मैजिशियन की एनर्जीज, कोई पॉजिटिविटी मुझे आपके रिलेशन में आती हुई नज़र आ रही है बहुत जल्द। कोई ऐसा लग रहा है मुझे एनर्जीज को देखकर कि आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई बहुत बिग चेंज मुझे आपके रिलेशन में आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई बहुत बड़ा फैसला जो है आपके पर्सन बहुत जल्द लेंगे या फिर बहुत जल्द लेने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके रिलेशन में चेंज होती हुई नज़र आ रही है। सो मोर एनर्जीज को लूँगी मैं, क्या कुछ एनर्जीज हैं। सो एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, ओके सो एस ऑफ सोर्स। मेरे पास में जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं उसमें आपके पर्सन की मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ में, किसी प्लानिंग में या फिर किसी योजना को बनाते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ में आज आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज बिजी नज़र आ रही है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है अपना जो है माइंड लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एफर्ट्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ जो है बहुत जल्द डिसीजन ले सकते हैं, और जो भी डिसीजन वो लेने वाले हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने वाले हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। पास्ट में कोई मिस्टेक हुई है आपके पर्सन से, कोई गलती हुई है, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ उसी गलती की वजह से, उसी मिस्टेक की वजह से आज आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट जोन है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके जो पर्सन है बहुत जल्द मुझे लग रहा है कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई बिग डिसीजन लेने वाले हैं, कोई ऐसा डिसीजन जो आपके रिलेशन पे ओके काफ़ी हद तक मैं देख रही हूँ जिसका इफेक्ट देखने वाला है आपके रिलेशन के ऊपर। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज है। सेलिब्रेशन मोमेंट को बताता है ये कार्ड कहीं ना कहीं, कि कुछ लोग जो है इस कार्ड में मुझे अपना ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने मोमेंट को, अपनी खुशी को, अपनी जीत को, विक्ट्री को। सो ऐसे साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इसे मैं जस्टिस की एनर्जीज भी कह सकती हूँ कि आपके रिलेशन में बहुत जल्द कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट हो सकते हैं, जो आप इतने लंबे समय से अगर पर्सन के लिए एफर्ट्स कर रहे थे या फिर अगर आपके पर्सन एफर्ट्स कर रहे थे आपके लिए, आपकी लाइफ में कम बैक होने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे उसमें, तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि आपके पर्सन के लिए कुछ जो है गुड चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशन में। आपके रिलेशन में आपके पर्सन की तरफ से कोई जो है चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओके एट ऑफ कप्स की एनर्जीज, सो एट ऑफ कप्स की एनर्जीज किसी बात को लेकर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, पर वो उस एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं कुछ वजह मुझे यहाँ पर जो है नज़र आ रही है, कोई रीज़न नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है कोई यूं ही एक्शन नहीं ले रहे हैं, फिर ऐसे ही जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन की काफ़ी लंबे समय से मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज आ रही है कि किसी चीज़ से आपके पर्सन जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे ये पर्सन। मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है गाइस, नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज। बहुत लंबे समय से ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में आपका वेट कर रहे थे, बहुत वेट किया है इन्होंने कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन हैं शायद उन चीज़ों को छुपा रहे थे, या फिर अपनी फीलिंग्स को जो है आपसे हेट कर रहे थे, या फिर मैं देख रही हूँ अपनी चीज़ों को जो है आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है। मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ गाइस नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से आपके जो पर्सन है उनकी किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट हुई है। मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है आपके रिलेशन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, तो उनकी आपके पर्सन के साथ में मुझे कोई जो है आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज आ रही है, कोई लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आ रही है, या फिर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस है दोनों में ही, कहीं ना कहीं दोनों में ही मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर मैं
उनकी बात करूँ तो उनके लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि शायद वो भी इस वक्त में बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव एनर्जीज़ में हो सकते हैं। एंड आपके जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है इस वक्त, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है अग्रेसिव एनर्जीज़ हो सकती है, साइलेंस मोड की एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही है कि आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं वो मुझे साइलेंस नज़र आ रहे हैं कि शायद अभी भी उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जीज़ है, अभी भी शायद वो बर्डन के अंदर हैं, अभी भी शायद वो किसी कंट्रोल के अंडर में। बट कुछ लोग आपके आप में से कुछ लोग के जो पर्सन हैं उनका अब जो गुस्सा है कहीं ना कहीं वो बाहर आ गया है, या फिर अपनी फीलिंग को उन्होंने जो दबा कर रखा था वो बाहर आ गई है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं देख रही हूँ इन्होंने, इन पर्सन ने, आपके जो भी पर्सन है गाइस, अपनी फीलिंग को छुपा कर रखा है, दबा कर रखा है। एक रॉन्ग डिसीजन की यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है कि इनसे पास में एक रॉन्ग डिसीजन हुआ है जो कि आपसे दूर जाना है। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाकर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज भी है, कंट्रोल की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे महसूस होता है कि इनसे एक मिस्टेक हुई है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर विश्वास करना या फिर किसी थर्ड पर्सन को आपसे बेहतर समझना या फिर ऐसा मानना कि शायद वो इनका भला चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं उस तरफ से इनकी जो फीलिंग्स मुझे आ रही है वो अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसे महसूस हो रहा है कि थर्ड पर्सन को जो उन्होंने समझा था, जो माना था, या फिर शायद थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट देने की वजह से आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लिया। हो सकता है आपके रिलेशन में कोई भी थर्ड पर्सन हो सकते हैं गाइस, करियर भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो शायद अपने बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से इन्होंने शायद अपने रिलेशन को जो है डिस्टर्ब कर लिया। डिस्टर्ब की एनर्जीज मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है इस वक्त वो साइलेंस मोड पर चल रहा है, प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इशूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके पर्सन को महसूस होता है कि उनसे एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक हुई है। पूरी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके पर्सन के साथ में जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि उनसे एक थर्ड पर्सन पे यकीन करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो रिलेशन है उसे डिस्टर्ब कर लिया। कहीं ना कहीं जो सपने उन्होंने अपने रिलेशन को देख लेकर देखे थे या फिर अपने जो रिलेशन को लेकर जो चीज़ें उन्होंने सोची थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी पूरी नहीं हो पाई। अपने लविंग पार्टनर को आपके लिए एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है, नाइन ऑफ वैंस की एनर्जीज भी है मेरे पास में कि अपने लविंग पर्सन को उन्होंने जो है नाराज़ कर लिया है, फिर अपने लविंग पर्सन को कहीं ना कहीं सपने दिखाकर या प्रोमिसज कर ड्रीम्स दिखाकर जो है बीच में छोड़ दिया, उनसे मूव ऑन हो गए। शायद अपने पर्सन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को रिस्पेक्ट देने की वजह से इन्होंने अपने लविंग पर्सन की रिस्पेक्ट जो है उसके बारे में नहीं सोचा, उनसे ऑन हो गए। आपको हो सकता है आपके कॉल का मैसेज का जवाब ना दिया हो, आपको अवॉइड कर दिया हो, आपको ऐसा बिहेवियर कहीं ना कहीं उनका देखने को मिला हो जिसमें आप शॉक रह गए हो कि आप मतलब कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर हो सकता है आपके लिए वो एक शॉकिंग बिहेवियर था कि इन पर्सन से तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये तो आपके लविंग पर्सन है। कहीं ना कहीं आप लोग दूसरे को, मैं अगर पास की एनर्जीज देखूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, फेथ बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों में ही दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में मुझे ब्यूटी नज़र आ रही है, रिस्पेक्ट नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप लोग का मुझे ट्रस्ट नज़र आ रहा है। बट उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो भूल गए कुछ टाइम के लिए या फिर मिसगाइड हो गए और आपके रिलेशन से आगे बढ़ गए। बट शायद जब वो आपके रिलेशन से मूव ऑन हो रहे थे या फिर आपको अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आगे जाके इस चीज़ पर उन्हें पछताना होगा या फिर आगे जाके ये जो चीज़ें हैं उनके सामने जब खुलकर आएंगे तो उन्हें इतना ज़्यादा जो है गिल्ट होगा, उन्हें दुख लगेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में आ जाएंगे कि उनसे ये भूल कैसे हो गई। भूल कर भी उनसे ये भूल नहीं होनी चाहिए थी, पास्ट के पर्सन की उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। सो कहीं ना कहीं अभी मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है ना, शायद ये बहुत कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे जो चीज़ें करी हैं, जो मिस्टेक हुई है, उनके लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं इतने दिनों में इनके साथ में जो कुछ भी हुआ है, जब तक आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट में थे, आप लोग के बीच में डिस्टेंसेस थे, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, अपनी लाइफ में अकेलेपन को देखा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं इन्हें अपनी लाइफ में एक खाली स्पेस कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं इनको
ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पर्सन अभी भी इनकी लाइफ में नहीं है जिसके बिना ये अपने आप को अधूरापन महसूस करते हैं, अपने आप को अधूरा मानते हैं। कहीं ना कहीं अब मुझे इस चीज़ों के लिए, आपके पर्सन को गिल्ट तो है ही, बट अब कहीं ना कहीं वो उस चीज़ के लिए डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को, ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। और जिस थर्ड पर्सन के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, रिस्पेक्ट करी, या फिर उनके चलते आपके लिए डिसीज़न नहीं लिया, कहीं ना कहीं उनके सामने खुलकर अपनी चीज़ों को जो है अभी पर्सन रखना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि उन्होंने पिछले कुछ घंटों में या फ्यू आवर्स बैक में जो है अपनी फीलिंग्स को थर्ड पर्सन के सामने रखने की कोशिश करी है, या फिर किसी थर्ड पर्सन के सामने अपनी फीलिंग्स को उन्होंने कहा है, या फिर शायद बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जीज़ हो गई और अपने आप से ही कहीं ना कहीं उनके मुँह से चीज़ें हैं बाहर आने लग गई, क्योंकि अब सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है इसी रीज़न की वजह से थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं एग्रेसिव एनर्जीज़ में है। फ्यू मोर एनर्जीज़ देख लेती हूँ आपके पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बीच की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग थर्ड पर्सन के लिए क्या कुछ आ रही है। ओके, सो द वर्ड की कार्ड की एनर्जीज़। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शन की नीड है, या फिर अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए विच इज़ पेड गाइस, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें, बिकॉज मैंने कम्युनिटी पे जो है आपको मैसेज भी दिया है कि आप किसी और भी अगर नंबर पर या फिर किसी और भी लिंक पर जो है ट्रस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो स्क्रीन पर आ रहा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ओनली ओनली सिर्फ और सिर्फ एक यही नंबर है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो इसी पर करें, और मैं कहीं पर भी अपना जो नंबर है उसे नहीं आपसे शेयर करूंगी। सो प्लीज़ बी अवेयर। एंड ठीक है, सो स्टार्ट कर लेती हूँ फर्दर कि अब आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है थर्ड पर्सन को लेकर वो क्या कुछ आ रही है। सो उनकी फीलिंग्स थर्ड पर्सन के लिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स की एनर्जीज मेरे पास में आ गई हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ गई हैं। फ्यू टाइम बैक से मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, शायद थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस थे, बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के बारे में सोचना, या फिर बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन को इम्पोर्टेंस देना, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना कि शायद पास्ट में बहुत बार, कई बार मैं देख रही हूँ पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में कई बार उन्होंने कोशिश करी कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ में शेयर करें, बट शायद दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक पर्सन अगर सोच रहे थे, तो अब इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर आ गए हैं। ये आपके पर्सन जो एट ऑफ पेंटिकल्स में एनर्जीज में थे फ्यू टाइम बैक से, जो सोच रहे थे, सोच विचार करना, ओवर थिंकिंग करना और कहीं ना कहीं बस सोचते रहना बट चीज़ के ऊपर एक्शन ना लेना, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी चेंज होकर किंग ऑफ सोर्ड्स में आ चुकी है, जो कि अब कहीं ना कहीं मुझे इनकी फीलिंग्स में, इनकी एनर्जीज में मैच्योरिटी नज़र आ रही है कि इनके रिलेशन को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुआ है, तो जो भी वजह है डिस्टर्ब होने की उससे दूर हो जाएं और अपने पर्सन के पास कम बैक होने के लिए, वापस लौटने के लिए और अपने उस खूबसूरत रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है गाइस, अगर आप इन्हें कार्ड में देखें, कहीं ना कहीं अपनी सोर्ड अब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, कहीं ना कहीं अपने अपने ऊपर अभी किसी को भी कंट्रोल नहीं करने देंगे, कोई भी बर्डन नहीं है इनके ऊपर, अब ये सिर्फ और सिर्फ वही डिसीजन लेंगे जिसमें कहीं ना कहीं इनकी खुशी है, इनकी हैप्पीनेस है। सो ऑरेकल मैसेज देख लेती हूँ क्या कुछ है मेरे पास में आपके रिलेशन के लिए। ऑरेकल मैसेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ओके, सो मैजिकल गेटवे की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं गाइस, आपके रिलेशन में एक ब्यूटीफुल सा मैजिकल गेटवे बहुत जल्द ओपन होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग। कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ बढ़ने वाला है, आप दोनों का ही दूसरे के प्रति, आप दोनों की लाइफ में करेज आने वाला है। अगर आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को छुपा रहे थे या किसी भी बात का फियर था उनके मन में कि मैं अपने पर्सन को लेकर इतनी ट्रू फीलिंग्स में हूँ, लवली फीलिंग्स में हूँ, हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, बट अब मैं चीज़ों को समझ चुका हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। अगर वो ये फीलिंग्स फील कर रहे हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ, नहीं कह पा रहे थे आपसे, कहीं ना कहीं बहुत जल्द अब जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे गुड पार्टनर, आपकी जो पर्सन है, आपकी लाइफ में कम बैक होते हुए नज़र आ रहे हैं, आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपके साथ में टैरो का रीडिंग है वो रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।